छतरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जंगल में युवक युवती के अजले शव मिले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों के शव पेड़ से जंजीर से बंधे हुए थे। घटना की जानकारी लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में पहाड़ी पर युवक युवती के अजले शव मिले। उनके शव पेड़ में जंजीर से बंधे हुए थे। दोनों को पेड़ से बांधकर जलाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच प्रारंभ की। दोनों मृतकों की शिनाख्त भी हो गई है। मृतक अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। महिला लवकुश नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसके दो बच्चे हैं और राखी पर अपने मायके आई हुई थी। वहीं युवक महिला का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस ऑनर किलिंग के एंगल से भी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दो शव अभी मिले हैं और हमारे SDOP साहब पूरी टीम वहाँ पर है, तस्दीक की जा रही है और FSL की टीम, डॉक्टर्स सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर में एक दूसरे मामले में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े गुटखा व्यापारी को कट्टे की नोक पर लूट लिया। कार सवार गुटखा व्यापारी को बाइक सवार चार बदमाशों ने पहले बाइक लगा के रोका, इसके बाद कार के कांच फोड़कर 8 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर भाग निकले। घटना की सूचना पर SP और CSP समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर से हम गोदाम से आ रहे थे और DIG बंगले के पास आए, एक मोटरसाइकिल वाले ने आगे मोटरसाइकिल लगा के गाली दी। हम जब तक उससे कहा कि गाली क्यों दे रहे, उसने हाल कर एक ने कट्टा मारा था, पर दोबारा मारा तो कांच फोड़ दिया। जब तक उतरे तो उसने थैला लेके भग गए। आज 12 बजे के लगभग अपने गोदाम जो कि नौगांव रोड स्थित है उससे अपने घर जा रहे थे, तो यहाँ रास्ते में खड़े हनुमान जी के पास कुछ बाइक अज्ञात बाइक सवारों द्वारा गाड़ी रोककर और कट्टा अड़ाकर गाड़ी का कांच खोलकर इनका बैग छीना गया है। इसकी सूचना प्राप्त हुई, इनके द्वारा बताया गया है 6 से 7 लाख रुपए बताया गया है और आगे पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं और फॉलो किया जा रहा है कि आरोपी कहां है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।